देखो बच्चों ध्यान दो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसा ही क्वेश्चन आईआईटी पूछ चुका है ना। देखो ध्यान दो, शो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर हुज रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इंटीजर्स है ना, एंड सेटिस्फाई इक्वेशन। इक्वेशन देखो क्या है, जेड जेड बार क्यूब प्लस जेड क्यू जेड बार बराबर 350 फॉर्म ए रेक्टेंगल विद डायगोनल लेंथ इंटीजर। मतलब हमें शो करना है कि डायगोनल लेंथ जो है वो इंटीजर होगी और इसे निकालना भी है किसको, डायगोनल की लेंथ को, किसके डायगोनल की लेंथ को, रेक्टेंगल की डायगोनल की लेंथ को निकालना है। और रेक्टेंगल कैसे बनना है, रेक्टेंगल बनना है ना जेड के रियल और इमेजिनरी पार्ट से, है ना। जो हमारा रेक्टेंगल बनना है वो रेक्टेंगल जेड के रियल और इमेजिनरी पार्ट से बनना है। हालांकि देखो अब जैसे ये रियल और इमेजिनरी पार्ट जो जेड के आएंगे, जैसे कि मैंने मान लिया कि हमारा जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो रियल पार्ट हो गया एक्स, इमेजिनरी पार्ट हो गया वाई। तो देखो ये जो एक्स और वाई आएंगे, ये एक्स और वाई उस डायगोनल के साइड लेंथ होंगे या उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे, ये इस क्वेश्चन में इन्होंने क्लियर नहीं बताया कि भाई एक्स और वाई जो आएंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है ना, ये क्या उस रेक्टेंगल के साइड लेंथ होंगे या उस रेक्टेंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट होंगे, तो ये नहीं बताया। तो मैं बता दूं आपको, ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है ना, ये जो एक्स और वाई आएंगे ये वर्टिसेस बना रहे हैं, है ना, वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, आर एक्स वाई, ये जो एक्स और वाई मिलेंगे ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस बना रहे हैं, ये क्वेश्चन में बताया नहीं गया, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी यहाँ पर क्लियर नहीं कहेंगे, है ना। कोई बात नहीं, देखो ध्यान दो, अब मैंने z को x plus i y मान लिया, ये z यहाँ पर रखेंगे, देखो क्या होता है, देखो ये z की वैल्यू यहाँ रखेंगे, z into z bar का क्यूब प्लस z क्यूब z bar बराबर 350। देखो z क्या है, x plus i y है ना, z bar का क्यूब x minus i y का होल क्यूब, z क्यूब x plus i y का क्यूब और z bar x माइनस आई वाई बराबर 350। z ये है और z बार का क्यूब ये है और z क्यूब ये है और z बार ये है बराबर 350। देखो थोड़ा हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो कैसे, जैसे हमें काम करें x प्लस आई वाई और इसमें से x माइनस आई वाई ले लें और ये x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, यहाँ भी देखो x प्लस आई वाई को होल स्क्वायर अलग करें और एक x प्लस आई वाई को अलग करें, ठीक है, देखो ये आ गया 350। देखो ध्यान दो, इसको मिला के लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बोलो, और ये है x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर। देखो इसको भी लिख सकते हैं, इन दोनों को मिला के भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर बराबर 350। देखो एक काम करें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पूरे में से कॉमन ले लें, तो x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर और प्लस x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर बराबर 350। देखो यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई का स्क्वायर माइनस टू आई एक्स वाई है ना, और देखो प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई का स्क्वायर प्लस टू आई एक्स वाई बराबर 350। देखो यहां पर क्या होगा, ये इससे कैंसिल होगा है ना, और देखो यहाँ पर ये बचेगा क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, देखो ये हो गया 2x स्क्वायर है ना, i स्क्वायर क्या होगा माइनस 1, तो माइनस का 2y स्क्वायर बराबर 350। देखो 2 कॉमन लेके इधर डिवाइड कर दो, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दो तो बचेगा 175 है ना। देखो यहाँ पर ये 175 बचेगा, ठीक बात है। देखो ध्यान दो,
एक्चुअली जो एक्स और वाई है ये इंटीजर्स है, ऐसा इसने कहा है क्वेश्चन में, ये एक्स और वाई इंटीजर्स है। अब देखो ध्यान दो, जैसे इसका मतलब ये भी इंटीजर होगा और ये भी इंटीजर होगा क्योंकि एक्स और वाई इंटीजर है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बना क्योंकि एक्स और वाई दोनों के दोनों इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर होगा और ये भी इंटीजर होगा। इसका मतलब ये जो है इसको देखो हम क्या क्या लिख सकते हैं, है ना, इसको लिख सकते हैं 7 × 7 × 5, है ना। बोलो भाई, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं 7 × 7 × 5। नहीं लिख सकते, देखो इसके फैक्टर्स को, जैसे 5 से इसको डिवाइड करो तो क्या आएगा, है ना, 2। हाँ ठीक है, देखो ये हो गया 5 × 35 और ये हो गया 7 × 5, है ना। अब ठीक है, ऐसा लिख सकते, मतलब इसको हम देखे तो, अब देखो यहां पर जैसे ये दो इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन है, है ना, तो दो इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन है, देखो ये क्या क्या हो सकता है। देखो मतलब इस 175 को हम 5 × 35 भी लिख सकते हैं, इसी को 25 × 7 भी लिख सकते हैं, इसी को 1 × 175 भी लिख सकते हैं। ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, है ना, क्योंकि इसको हमें दो के इंटीजर के प्रोडक्ट में लिखना है, क्योंकि देखो ये दो इंटीजर का प्रोडक्ट है, तो हम इसको दो इंटीजर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। अगर हम इसको ऐसा लिखें तो देखो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 35 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 7 आ जाएगा। एक पॉसिबिलिटी देखो ये बनेगी, क्योंकि देखो जो बड़ा वाला है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा, छोटा वाला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 बनेगा और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 7 बनेगा। एक पॉसिबिलिटी देखो ये है। और अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 175 बनेगा और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1 बनेगा। 3 पॉसिबिलिटीज हैं देखो यहाँ पर, ध्यान दो, ठीक। अब देखो क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगी और इसकी वैल्यू कम होगी, है ना, ये देखो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज बनती है इसमें, है ना। ये 35 × 5 हो सकता है, नहीं सॉरी 35 और 5, है ना, और ये 25 × 7 हो सकता है, 175 × 1 हो सकता है। देखो 3 पॉसिबिलिटी, देखो ध्यान दो, जैसे मान लो अगर हम ये लास्ट वाली पॉसिबिलिटी लें, देखें क्या क्या हो सकता है, क्योंकि x और y हमको इंटीजर निकालने हैं ये बात नहीं भूलो। देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम इसको लें, है ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 175 और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 1, प्लस करो तो 2x स्क्वायर बराबर 176, 2 से डिवाइड करो 88। तो देखो x जो है वो इंटीजर नहीं आया, तो मतलब ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, x इंटीजर नहीं आया, ठीक। देखो अगर हम ये पहली वाली पॉसिबिलिटी लें तो ये क्या है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 35, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 5, इनको प्लस करो तो 2x स्क्वायर बराबर 40, एक्स स्क्वायर बराबर 20, तो देखो ये भी इंटीजर नहीं आया, ये पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई, ठीक है। अब देखो तीसरी पॉसिबिलिटी क्या कहती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 7, इनको प्लस करो
तो 2x² = 32। तो देखो यहां से x² = 16, x = ±4। देखो ये इंटीजर आ गया, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब देखो यहां से हमें x की वैल्यू ±4 मिल गई, है ना। यहां से देखो हमें जो x की वैल्यू है वो ±4 मिली। देखो ध्यान दो, अगर ये x की वैल्यू ±4 इस इक्वेशन में रखी जाए, है ना, x की वैल्यू ±4, ऐसे मान लो अगर हम x को +4 लें तो y² हो जाएगा 9, तो y हो जाएगा ±3। तो देखो दो पॉइंट्स आए, 4 3 4 -3। अच्छा अगर हम x को -4 लें, उसको इसमें रखें, तो फिर से y² = 9, y = ±3। फिर देखो दो पॉइंट्स आएंगे, -4 + 3 और -4 -3। देखो यहां से क्या हुआ, हमें ये चार पॉइंट्स मिले। दो कौन कौन से, एक मिला 4 3 यहां पर कहीं होगा, फिर मिला 4 -3 यहां पर कहीं देखो होगा, फिर मिला -4 3 यहां पर कहीं होगा, फिर देखो -4 -3 देखो यहां पर कहीं होगा। देखो ये चार पॉइंट्स हमको मिल गए और देखो इससे एक रेक्टेंगल बन जाएगा, इन चारों पॉइंट से एक रेक्टेंगल बन जाएगा, है ना। और हमें इसके डायगोनल की लेंथ चाहिए। तो देखो जैसे ये है अपने रेक्टेंगल पे डायगोनल की लेंथ, मान लो ये पॉइंट ए है, है ना, और देखो ये बी है 4 - 3, और ये है सी, और देखो ये है डी। तो अगर हम ए डी की लेंथ निकालें तो क्या होगा, देखो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकाल लो, उससे कोऑर्डिनेट के मेथड से निकाल लो, ये है 4 3 और ये है -4 -3, है ना, ये है 4 3 और ये क्या है -4 -3, इनके बीच का लेंथ निकालो, तो अंडर रूट, है ना, दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर, दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 100 यानी कि 10। तो देखो हमारे डायगोनल की जो लेंथ है वो 10 आ जाएगी। यही हमको प्रूफ करना था कि डायगोनल की जो लेंथ है वो इंटीजर होगी, डायगोनल की लेंथ इंटीजर होगी और उसको निकालना भी था, है ना। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये इसमें क्या है, देखो एक तरीके से बेसिक भी इन्वॉल्व हो गया कि किस तरीके से हमने उसको 2 के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा था, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी देखो यहाँ पर आ गया, है ना। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको।